हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज की इस वीडियो में मैं एक्सप्लेन करने वाली हूँ 2024 में आई रियल घटना पर आधारित मूवी भच्छक, जिसमें भूमि पेडनेकर मुख्य भूमिका निभाई हैं। कहानी की शुरुआत में हमें एक गर्ल्स का शेल्टर दिखाया जाता है, जहाँ पे कुछ अनाथ लड़कियाँ रहा करती थी। रात को वहाँ पे एक लड़की की जोर से चिल्लाने की आवाज़ आ रही थी और बच्चा बाबू नाम का एक आदमी उस पर हंस रहा होता है। तभी थोड़ी देर बाद वहाँ पर सोनू नाम का एक आदमी बच्चा बाबू से आकर पूछता है कि ये लड़की इतना चिल्ला कह रही है। तब हमें पता चलता है कि बच्चा बाबू उस लड़की के साथ दुष्कर्म कर रहा था, तो उस बच्ची ने बच्चा बाबू के हाथ में काट लिया, जिससे गुस्से में उसने बच्ची के अंदर मिर्ची डाल दी। इसके कारण वह लड़की दर्द के मारे चिल्ला रही थी। उस लड़की की हालत बहुत ज्यादा खराब हो जाती है। इसके बाद सोनू डॉक्टर को कॉल करता है, लेकिन डॉक्टर उसकी मदद करने से इनकार कर देता है। इसीलिए वो उस लड़की को मार डालता है और शमशान में जाकर उसे जलवा देता है। इसके बाद हमें वैशाली नाम की एक रिपोर्टर को दिखाई जाती है, जिसे गुप्ता जी नाम के एक खबरी का कॉल आता है, जो कि उसे मिलने के लिए बुलाता है। वैशाली जब उसके पास जाती है तो वो उसे बताता है कि उसके पास एक बहुत बड़ी खबर है, अगर वो अपने न्यूज चैनल पर उसे चलाएगी तो हो सकता है कि उसका चैनल चल जाए। वैशाली दरअसल पहले एक बहुत बड़े न्यूज चैनल में काम किया करती थी, लेकिन वो ईमानदार थी और लोगों की चाटुकारिता करना नहीं चाहती थी। इसलिए इस्तीफा देकर खुद उसने अपना एक चैनल खोला था, लेकिन उसके चैनल को देखने वाले बहुत ही कम लोग थे। गुप्ता जी वैशाली को सरकारी ऑडिट का रिपोर्ट देते हैं, जिसमें मुनव्वरपुर के चाइल्ड शेल्टर होम में बच्चियों के साथ हो रहे दुष्कर्म की रिपोर्ट थी। वैशाली पहले तो उस रिपोर्ट को लेने से मना कर देती है, क्योंकि इन सब पर एक्शन लेने का काम पुलिस का है। पर गुप्ता जी कहते हैं कि न्यूज रिपोर्टर का काम होता है सच को बाहर लाना, और पुलिस वाले इस मामले में कुछ भी नहीं कर रहे हैं। इस केस कांड में बहुत बड़े बड़े लोग शामिल हैं। वैशाली गुप्ता जी का ये फाइल लेकर कहती है कि आपको इसके पैसे जल्द ही मिल जाएंगे। अगले दिन वैशाली उस रिपोर्ट को पढ़ती है, जिससे वैशाली को पता चलता है कि मुनव्वरपुर की बच्चियों के साथ काफी कुछ गलत हो रहा है। वो अपने कैमरामैन भास्कर को जब ये बात बताती है तो भास्कर उससे कहता है कि बहुत ही अच्छी रिपोर्ट होने वाली है। वो दोनों इस केस की तहकीकात में लग जाते हैं। रात को जब वैशाली अपने घर जाती है तो उसका पति अरविंद उससे पूछता है कि आजकल वो किस चीज की रिपोर्टिंग कर रही है, तो बताती है कि उसके पास एक केस आया है जो बहुत ही पेचीदा है और वो उसके जड़ तक जाकर रहेगी और उसका पर्दाफाश करेगी। अगले दिन वो भास्कर जी के साथ उस शेल्टर में जाती है, जिससे वो पता लगा सके कि वहाँ क्या हो रहा है। वहाँ बाहर में एक पार्टी का झंडा लगा हुआ देखती है, जिससे वो समझ जाती है कि जरूर कोई पार्टी इन्हें सपोर्ट भी कर रही होगी। वहीं वहाँ पे सोनू आता है, जो कि उन दोनों को वहाँ से भगा देता है। इसके बाद वैशाली अपने ननद और नंदोई के घर आती है मिलने के लिए। वो दोनों भी मुनव्वरपुर में ही रहा करते थे। वो उससे पूछते हैं कि आखिर वो बच्चा कब करने वाली है। तब वो उन्हें बताती है कि उसके पास अभी कुछ पैसे नहीं हैं, इसलिए उसने अभी कोई बेबी प्लान नहीं किया है। इसके बाद वैशाली भास्कर के साथ चाइल्ड वेलफेयर कमेटी में जाती है, जहां पर वो मिथिलेश नाम के एक सरकारी कर्मचारी से मिलती है और उन्हें वो ऑडिट फाइल दिखाकर उनसे पूछती है कि क्या उन्हें इसके बारे में नहीं पता है। तो वो उनसे कहता है कि जिससे वो लड़ रही है वो बहुत ही बड़े लोग हैं, और अगर ऐसा कुछ होता तो उसके कानों में जरूर आता और वो जरूर मदद करता। दरअसल मिथिलेश घुसखोर है और वो तुरंत शेल्टर के मालिक को कॉल कर बता देता है कि ऐसी ऐसी बात हुई है। उस शेल्टर का मालिक बंसी नाम का एक बंदा होता है, जो कि वहाँ के मिनिस्टर के साथ मिलकर वो धंधा चलाया करता था। वो तुरंत अरविंद को कॉल कर देता है और उसे कहता है कि वो अपनी वाइफ को समझा दे, क्योंकि वो जिस केस पर काम कर रही है उसके आगे सिर्फ मौत लिखी है। रात को वैशाली जब घर आती है तो अरविंद उसे डांट लगाता है और कहता है कि वो किसी बड़े आदमी से दुश्मनी बिल्कुल भी नहीं ले सकते। वैशाली उसे कहती है कि उसे नहीं पता कि आखिर बंसी कौन है और उसे धमकी क्यों दे रहा है। अगले दिन वैशाली के ऑफिस में गुप्ता जी आते हैं। वो उसे बताते हैं कि बंसी दरअसल उस गर्ल शेल्टर का मालिक है और वही वहाँ का धंधा चलाता है और इसमें बहुत सारे लोग मिले हुए हैं, इसीलिए वो चाहता है कि वो इस न्यूज को कवर ना करे। अगर वो ऐसा करेगी तो वो सलाखों के पीछे होगा। रात को जब वैशाली अपने छत पे टहल रही होती है तो अपने घर के बाहर एक गाड़ी को देखती है और देखकर वो समझ जाती है कि वो लोग उसे फॉलो कर रहे हैं। अगले दिन वो भास्कर जी के साथ बहुत सारे चाइल्ड वेलफेयर होम्स में जाती है, जहाँ पे वो पता करने की कोशिश करती है कि मुनव्वरपुर से आई कोई लड़की यहाँ पर आई थी या नहीं। अगर कोई लड़की मिलती तो बात बता सकती थी कि वहाँ पे क्या होता है। वो कई जगह जाती है लेकिन उसे कोई भी सबूत नहीं मिलता, और उसके बाद अपने ऑफिस में आकर वो उस न्यूज को कवर करती है। अगले दिन बंसी उसे अपने घर बुलाता है मिलने के लिए, जहाँ वो उसे धमकी देता है कि वो इस न्यूज को कवर करना बंद कर दे, वरना वो ट्रक के नीचे आ सकती है और उसकी मौत भी हो सकती है। वैशाली उसकी धमकी से बिल्कुल भी नहीं डरने वाली थी और उसने ठान लिया था कि वो उन लड़कियों को इंसाफ दिला कर रहेगी। रात को जब वो घर आती है तो अरविंद उसे बोलता है कि इस केस को छोड़ दे, लेकिन वैशाली ऐसा नहीं करने को कहती है
और उन दोनों की लड़ाई हो जाती है। अगले दिन वैशाली भास्कर जी के साथ फिर से सबूत ढूंढने के लिए निकल जाती है और इस बार उसे एक शेल्टर होम मिलता है जहाँ पे मुनव्वरपुर से एक लड़की आई हुई थी। उस लड़की का नाम सुधा होता है। वो वहाँ पर आती है तो बहुत ज्यादा डरी हुई थी। वैशाली जब वहाँ के बारे में पूछती है तो लड़की उससे कहती है कि अगर उसका नाम सामने नहीं आएगा तो ही वो सारी बात बताएगी। वैशाली उसे वादा करती है कि उसका नाम सामने नहीं आने देगी। उसके बाद वो लड़की उसे बताती है कि वहाँ पे क्या हो रहा था। वो लड़की अपने पिता के साथ गई थी क्योंकि उन्हें एक कुक की जरूरत थी। वहाँ वो गई थी जो कि वो बच्चों के लिए खाना बनाने वाली थी। सबसे पहले काउंटर पे सोनू मिला जिसने उसकी रजिस्ट्रेशन करी। इसके बाद उसे शेल्टर में भेज दिया जहाँ पे सबसे पहले उसे बेबी रानी नाम की एक औरत मिली जो कि वहाँ की वार्डन थी और वो लड़कियों का देखभाल करती थी। वो उसे एक हॉल में ले गई जहाँ पे सारी लड़कियाँ रहा करती थी। उन्हें देखकर वो हैरान रह गई लेकिन बेबी रानी ने कहा था कि वो यहाँ पर बिल्कुल भी ना आए और वो लड़कियों से दूर रहे और उनसे बात बिल्कुल ना करे। एक दिन जब वो खाना बना रही थी तो एक लड़की उसके पास आई और उसने कहा कि अगर वो अपना भला चाहती है तो वो यहाँ से भाग जाए। यहाँ पे वो लोग इनके साथ बहुत ही गंदा सलूक करते हैं। तभी वहाँ पे बेबी रानी आई और उस लड़की को मारकर उसने भगा दिया था। एक रात जब वो सो रही थी तो बाहर से कुछ आवाज सुनी और उसने बाहर निकल कर देखा तो सोनू वहां से दो लड़कियों की लाशों को ले जा रहा था। ये देखकर वो हैरान रह गई और उसके बाद वो उस हॉल में गई जहां पे उसने बेबी रानी को देखा जो कि निर्वस्त्र थी और एक लड़की के साथ वो जबरदस्ती संबंध बना रही थी वो भी बाकी लड़कियों के सामने। ये देखकर वो हैरान हो गई और सोचने लगी कि यहां पे ये सब क्या होता है। इसके बाद उसे ऊपर से आवाज आई तो वो ऊपर गई और वहाँ पे उसने मिथिलेश को देखा कि एक लड़की के साथ कुछ गलत काम कर रहा था। तभी उस मासूम लड़की ने उसे अपने रूम में बुलाया और उससे कहा कि अब वो जान गई है कि यहाँ पे उनके साथ क्या होता है, इसलिए भलाई इसी में है कि वो यहाँ से भाग निकले वरना वो लोग उसके साथ भी वही सब करना शुरू कर देंगे। वो लोग उन लड़कियों को गंदी फिल्में दिखाते थे और उनके साथ जोर जबरदस्ती करते थे। एक रात जब सब लोग सो रहे थे तो उसने फैसला किया वहाँ से भागने का और उसने अपना सामान बांधा और वहाँ से भाग निकले। वैशाली और भास्कर उसकी सारी बातें सुनकर बहुत ही दंग रह जाते हैं और वो फैसला करते हैं कि किसी भी हाल में बंसी को सजा दिलाकर रहेंगे। अगले दिन जब वैशाली अपने नंदोई के घर जाती है उसका नंदोई उसे कहता है कि वो बंसी से दूर रहे, ये बहुत ही खतरनाक आदमी है और बदला लेने के लिए कुछ भी कर सकता है। वैशाली उनसे कहती है कि वो उन लड़कियों को इंसाफ दिलाकर रहेगी अगर वो भी उसकी मदद करना चाहते हैं तो वो जल्द ही PIL फाइल कर दे। उसका नंदोई मदद करने से इनकार कर देता है। अगले दिन सोनू भागता हुआ बंसी के पास आता है और उसे बताता है कि किसी ने उसके खिलाफ PIL फाइल कर दी है, यानी कि ये केस अब कोर्ट में चला गया। बंसी उसे कहता है कि वो पता लगाए कि आखिर ये PIL फाइल किसने करी। इसके बाद वो मिनिस्टर ब्रिजमोहन के पास जाता है और वो सारी बात बताता है। ब्रिजमोहन उससे कहता है कि कोई लड़की है और पत्रकार है, अगर वो उसे मार देंगे तो सच साबित हो जाएगा कि जरूर वहाँ पे कोई दुष्कर्म होते हैं। रात को सोनू बंसी के पास जाता है और उसे बताता है कि उसे शक है कि शायद उसके नंदोई ने PIL फाइल करी है। ये सुन के बंसी को बहुत गुस्सा आता है और वो उसे आदेश देता है कि वो उसे जख्मी करके आए। अगले दिन हम वैशाली को देखते हैं जो कि हॉस्पिटल में जाती है क्योंकि उन लोगों ने उसके नंदोई को जख्मी कर दिया था। वहाँ उसकी ननद उसे कहती है कि ये सब उसकी वजह से हुआ है, उन लोगों ने उनका सर फाड़ दिया है और उनकी टांगे तोड़ दी है। ये सुन के वैशाली तुरंत पुलिस स्टेशन जाती है उसकी रिपोर्ट लिखवाने के लिए, लेकिन पुलिस वाले उससे कहते हैं कि वो बंसी का नाम FIR में नहीं लिख सकते हैं। उसके बाद वो अपने नंदोई से मिलने के लिए जाती है जहाँ पे वो उससे कहते हैं कि ये सब उसकी वजह से हुआ है। वैशाली को बहुत ही बुरा लगता है और वो बहुत ज्यादा रोने लगती है। तभी वैशाली का पति वहाँ आकर उसे संभालता है और वो वहाँ पर एक वीडियो रिकॉर्ड करती है और सारी बात बताती है कि कैसे वो सच के लिए लड़ रही है तो उसके परिवार वालों को चोट पहुंचाया जा रहा है। अगले दिन वैशाली को पता चलता है कि मुनव्वरपुर में एक बहुत ही होनहार SSP आई हुई है जो कि बहुत ही ईमानदार है और सच्चे दिल से अपना काम कर रही है। इसके बाद वैशाली भास्कर जी के साथ उससे मिलने के लिए जाती है। जब वो इस केस के बारे में बताती है तो SSP उससे कहती है कि इस केस में वो उसका साथ जरूर देगी। सबसे पहले वो उसका FIR लिखती है, अब पुलिस की टीम को भेजती है ताकि वो सोनू को गिरफ्तार करके ला सके। जब पुलिस की टीम वहाँ पहुँचती है तो बंसी वहाँ पर आकर उन्हें रोक देता है जिससे डरकर वो पुलिस वाले वहाँ से भाग जाते हैं। रात को गुप्ता जी वैशाली के ऑफिस में आते हैं और भास्कर जी से बताते हैं कि उन्होंने ही PIL फाइल करी थी ताकि वो लोग एक्टिव हो जाएं। भास्कर जी उससे कहते हैं कि उसने बहुत ही बड़ी गलती करी,
उसकी वजह से वैशाली की नंदोई को बहुत ही मार पड़ी है। अगले दिन एसएसपी आईपीएस के पास जाती है और उन्हें इस केस के बारे में बताती है, लेकिन आईपीएस उसकी मदद करने से इनकार कर देते हैं। वो वैशाली से कहती है कि उसने रिपोर्ट्स के बिना ही ये रिपोर्टिंग शुरू करी है, इसलिए पुलिस इसमें उसकी कोई मदद नहीं कर सकती जब तक उनके पास कोई ठोस सबूत ना हो। और वैशाली और भास्कर एक प्लान बनाते हैं, जहां भास्कर ब्रिजमोहन के पास जाता है उसे मिथिलेश के खिलाफ भड़काने के लिए। जब भास्कर ब्रिजमोहन से मिलने के लिए जाता है तो वो उसे बताता है कि वो उसका फॉलोवर है और वो जानता है कि शेल्टर में जो भी कुकर्म होते हैं उसमें वो भी शामिल है, और सारी बात ब्रिजमोहन ने बताई है जो कि उनकी गवाही देने के लिए तैयार है। अगले दिन गुप्ता फिर से वैशाली की ऑफिस में आता है, जहां पे उसे एक और खबर देता है। उसे बताता है कि एक समाज कल्याण ऑफिसर की मौत हो गई है। वो ईमानदार था और मुनव्वरपुर वाले शेल्टर के लिए खड़ा हुआ था, जरूर बंसी ने ही उसे मरवा दिया होगा। इधर ब्रिजमोहन बंसी को कॉल करता है और उसे बताता है कि मिथिलेश उनसे मिल चुका है। उसके बाद वैशाली फिर से अपनी एक वीडियो निकालती है, जहां पे वो बताती है कि हाल ही में एक अधिकारी की मौत हुई है और उसे मरवाने वाला जरूर बंसी ही होगा, क्योंकि वो उसके केस पे काम कर रहा था। ये सुनके सभी लोग हैरान हो जाते हैं और उन्हें नजर आने लगता है कि अब वो जेल में जाने वाले हैं। ये न्यूज सुनकर चीफ मिनिस्टर तुरंत ब्रिजमोहन की वाइफ को कॉल करता है और उसे कहता है कि वो तुरंत बंसी के खिलाफ एफआईआर करे। बंसी के खिलाफ एफआईआर हो जाता है और उस शेल्टर में अब रेड पड़ने वाली थी, उन्हें बस एक सबूत चाहिए था जिसे ये साबित हो सके कि वहाँ पर गलत काम होता है। वैशाली सुधा के पास जाती है और सामने आकर सब कुछ बताने के लिए कहती है। सुधा अपना फेस ढक लेती है और उसके बाद सारी बात सबके सामने लाती है। ये देखकर सभी लोग समझ जाते हैं कि सच में वहाँ लड़कियों के साथ बहुत ही गलत हो रहा है। अगले दिन एसएसपी अपनी टीम के साथ वहाँ पहुँचती है और वहाँ पे छापा मारती है, जहाँ पर वो सारी लड़कियों को देखती है और देखकर वो दंग रह जाती है। वहाँ काम करने वाले सभी लोगों को गिरफ्तार कर लेती है और बंसी को वो घसीट कर ले जाती है। ब्रिजमोहन की वाइफ जो कि मिनिस्टर होती है वो पलट जाती है और मीडिया को झूठ बताती है कि उसने ही इस केस की तहकीकात करवाई और उन मुजरिमों को पकड़वाया है। मिथिलेश भी मीडिया के सामने शरीफ बनता है और उनसे कहता है कि वो इस केस की जड़ तक जाएगा और उन लड़कियों से गवाही भी लेगा, और जो कोई भी इसमें शामिल होगा वो सभी जेल के पीछे होंगे। लेकिन वो अपना नाम कभी नहीं लेता कि वो भी उनसे मिला हुआ था। वैशाली एक वीडियो बनाती है जिसमें वो सबको बताती है कि वो पूरी तरह से तो नहीं जीत पाई, लेकिन उसने एक शेल्टर को बंद करवाया है और ऐसे न जाने कितने शेल्टर चल रहे होंगे जहाँ पे ये धंधे होते होंगे, और उनका फर्ज है कि इन धंधों को रोकना, और कई सारी मासूम लड़कियों की इसमें जान चली जाती है। तो दोस्तों, ये थी इस फिल्म की कहानी। आप चाहें तो इस फिल्म को नेटफ्लिक्स पर देख सकते हैं।